अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर और रिटेलर्स, इन तीनों में क्या डिफरेंस है और इनका बिजनेस करने का तरीका किस तरह होता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो डायरेक्ट ब्रांड से परचेज़ करते हैं, बड़ी क्वांटिटीज में परचेज करते हैं, और वो जब रीसेल करते हैं तो उनके अपने MOQs होते हैं। वो आपको अगर उनसे डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करनी है तो आपको उनके MOQs को फुलफ़िल करना पड़ता है। समटाइम कुछ ब्रांड्स ने अपने मुख्तलिफ स्टेट्स में, अपने मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ एरियाज़ के लिए मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी फिक्स किए होते हैं कि ये फ़लाँ एरिया में ये बंदा हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। अब अगर आप उनके क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर सकते ब्रांड के, तो फिर आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर से जाके कॉन्टैक्ट करते हैं, आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं जो ब्रांड से कम होता है। उसके लिए अगर ब्रांड का MOQ $5,000 है या $10,000 है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो MOQ होगा वो $1,000 होगा, $500 होगा या $1,500 होगा, समटाइम $2,000 भी होता है। जितनी बड़ी क्वांटिटी आप परचेस करना चाहें आप डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस कर सकते हैं। अब होलसेलर क्या होता है? होलसेलर खुद डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस करता है, या वो ब्रांड से भी परचेस कर देता है, लेकिन मोस्टली केसेस में होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से ही परचेस करता है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस करता है, वो आगे समटाइम कुछ होलसेलर सिर्फ बल्क में ही देते हैं, और कुछ होलसेलर्स होते हैं जो डिटेल में भी देते हैं, मतलब सिंगल यूनिट भी देते हैं, और कुछ जो है सिर्फ बल्क में ही देते हैं। कुछ रिटेलर्स जो होते हैं जो वो आपको रिटेल में ही देते हैं, वो आपको बल्क में नहीं देते हैं। बहुत कम रिटेलर्स होते हैं जो आपको 30 या 40 यूनिट भी लेने देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेने देते, परचेज नहीं करने देते। अब एग्जाम्पल ले लें, वॉलमार्ट है, मोस्टली प्रोडक्ट पे सिर्फ 12 की लिमिट लगी होती है कि आप 12 से ज़्यादा परचेज नहीं कर सकते। कुछ रिटेलर्स होते हैं वो 5 से ज़्यादा परचेज नहीं करने देते। इसी तरह हम जब अमेज़ॉन में ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे होते हैं तो हम रिटेलर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और हम वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमें एटलीस्ट 20 यूनिट परचेज करने की परमिशन दे रहा हो रिटेलर। अगर रिटेलर से हमें 20 यूनिट ले रहे हैं तो हम 20-20 करके 20-30-40 यूनिट परचेज करके आर्बिट्राज करते हैं। जब हम होलसेल कर रहे होते हैं अमेज़ॉन FBA होलसेल, तो हम होलसेलर से लेते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं या डायरेक्ट ब्रांड से लेते हैं। अगर हमारे पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो हम ब्रांड से ही लेते हैं, अदरवाइज़ हम डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं ले सकते, उनके MOQs को फॉलो नहीं करते, तो हम होलसेलर से ले सकते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होती है तो आप आर्बिट्राज से स्टार्ट करते हैं, आर्बिट्राज के प्रोडक्ट लेते हैं। अभी आज के प्रोडक्ट से आपको जिनका MOQs नहीं होता, आप अपनी मर्जी से 20 यूनिट दे सकते हैं, क्योंकि होलसेलर्स में या तो डिस्ट्रीब्यूटर में उनके MOQs को फुलफिल करना पड़ता है।